स्वागत है अभिनंदन। एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया था आज हमारे रजिस्टर में ही, हमने इसको नोट कर लिया था। कि 5 टाइम की नमाज जो मस्जिदों में पढ़ी जाती है या 4 टाइम की, तो उसमें मुस्लिम महिलाओं का मस्जिद में नमाज पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। एक ऐसा सवाल आया तो मैंने सोचा कि जागरूकता के लिए आपको ये सूचना प्रदान कर दूं और अपना चिंतन भी। आपकी जानकारी को हम बताएं कि आखिर क्या है वो सेक्सी कारण जिसकी वजह से मोहम्मद साहब ने मना किया था, खास तौर पे महिलाओं के लिए, कि महिलाएं मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगी। आइए चलते हैं उस दिशा में। सबसे पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जिस दौर में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ या उन पे कुरान नाज़िर हुआ, प्रकट हुआ, ज्ञान उनको पैदा हुआ हिजरी नाम की गुफा में, तो उस समय जो दौर चल रहा था वो बच्चे, बच्चियों, बूढ़े, कमज़ोरों और ख़ास तौर पे औरतों के ऊपर बड़ा आताताइयों के द्वारा यौन शोषण होता था। बड़ा सेक्सी माहौल था उस समय अरब क्षेत्र में, क्योंकि वो कबीलाई के रूप में रह रहे थे। जैसे आज भारत में जो आपने देखे होंगे बेचारे जो कंजड़ जाति के लोग हैं, गाय भैंस कहीं डल्लब पर, बैलगाड़ी पे, भैंसा गाड़ी पर, तांगे के साथ इधर उधर प्रवासीय जीवन में रहते हैं, गांव के बाहर डेरा लगा लेते हैं, जो नट होते हैं, कंजड़ होते हैं, माहौट होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी जाति होते हैं, इसी प्रकार का माहौल करीब करीब वहाँ पर था। खाना बदोश जीवन था, तो शराब पीना, जुआ खेलना, इसीलिए तो मोहम्मद साहब ने शराब पे पाबंदी लगाई कि शराब पीने से, संसार में शराब पीने से ज़्यादा क्राइम होते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो उन्होंने मस्जिदों में जाने पर इसलिए पाबंदी लगाई अपने अनुयायियों के लिए, क्योंकि वो अनुयायी भी तो उसी समाज के हिस्सा थे जो उनके ज्ञान को मानते थे, उसको मानते थे, लेकिन मोहम्मद साहब समझते थे मनोविज्ञान के लिए। वो जानते थे ये आज मुझे फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में वासना हवस खत्म नहीं हुई है। ख़त्म करने के लिए तो ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी ना, आदमियों के लिए, आदमियों की जो जोर जबरदस्ती करने की जो प्रवृत्ति थी वो महिलाओं के ऊपर विशेष रूप से थी, वो खत्म नहीं हुई थी, उनके अंदर का जानवर खत्म नहीं हुआ था। तो जानवर को, हैवानियत को खत्म करने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा मस्जिद में पुरुषों के साथ इबादत में हिस्सा औरतें नहीं लेंगी, बस ये लिख दिया नहीं लेंगी, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों नहीं लेंगी, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जो पैगंबर जैसे, नबी जैसे, हजरत जैसे, अवतार जैसे लोग होते हैं वो पूरा खुल के नहीं, वो केवल इशारा देते हैं, वो केवल सिद्धांत देते हैं, वो केवल थ्योरी देते हैं, सूत्र देते हैं, उसको फॉलो करना ही आपका धर्म है, मजहब का हिस्सा है। तो वो मैं क्लियरिटी देता हूँ कि उन्होंने क्यों मना किया। जब आपने देखा होगा मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, कोई कोई वीडियो मैंने देखा है मस्जिदों में, छोड़ो कहीं पर हॉल में नमाज भी पढ़ते हुए मैंने आदमियों को देखा है,
कि आदमी जब घुटने उठा करके नमाज पढ़ते हैं, झुका करके घुटनों के बल बैठते हैं झुका करके, और पीछे से अपना चूतड़ उठाते हैं, तो कई सारे लोगों को देखा है एक दूसरे के चूतड़ में उंगली करते हुए, शैतानी करते हुए मैंने देखा है। क्योंकि आदमी आदमियों के कर रहा है, लड़के लड़कों के कर रहे हैं, यह हैवानियत का हिस्सा है, यह शैतानियत का हिस्सा है, यह काफिराना अंदाज है, काफिराना फितरत है। क्या यह सच नहीं है? ये मैं आज का लॉजिक दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको उदाहरण दे रहा हूँ। किंतु अगर औरतें जाएंगी, मोहम्मद साहब को पता था, और वहाँ पर वो अपना हेप उठा करके, अपने पिछवाड़ा उठा करके अगर नमाज पढ़ेंगी, तो पीछे से जो नमाज पढ़ रहे हैं वो आदमी कहीं इतने सेक्सी ना हो जाए, उनकी हवस ना जग जाए कि कहीं वो बलात्कार ना कर बैठे, जानवर की तरह वहीं ना चढ़ बैठे। ये मूल कारण था, क्योंकि उस दौर के लोगों की जो वासना थी वो चरम सीमा पर थे, एकदम शिखर पे थे, ऊंचाई पे थे, और कोई दूसरा कारण नहीं है। मोहम्मद साहब औरतों से घृणा नहीं करते थे, औरतों को आदमियों की हैवानियत से बचाने के लिए उन बेचारे मोहम्मद साहब ने अलग किया, उनको सेपरेट किया। जैसे आजकल अभी थोड़े दिन पहले ही लड़कियों के विद्यालय अलग होते थे, लड़कों के अलग होते थे, ताकि एक दूसरे के प्रति आकर्षण में ना पड़ जाएं और वो पढ़ाई से उनका ध्यान हट जाए। ठीक इसी प्रकार से मोहम्मद साहब ने ये औरतों की इज्जत को बचाने के लिए और आदमियों की जो फितरत है, नफ्स को बचाने के लिए, उनकी इबादत भंग ना हो जाए, क्योंकि वो साले लुच्चे गुंडे थे, जब थोड़ा थोड़ा सुधरने लगे तो मोहम्मद साहब के चेला बन गए। तो मोहम्मद साहब जानते थे अभी पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने ये कानून बनाया, ये नियम बनाया। इसी पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मज़ेदार है। एक जो चोर था, तो उसने महात्मा जी से कहा बुढ़ापे में कि अब हम आपके चेला बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा चोरी छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम चोरी छोड़ देते हैं, हम चोरी छोड़ देते हैं। तो कहा ठीक है, तो तुम आश्रम में रह सकते हो, हम तुम्हें गुरु ज्ञान दे देंगे, गुरु दीक्षा दे देंगे। लेकिन यह सब गुरु ज्ञान लेने के बावजूद, चोरी छोड़ने के बावजूद, आश्रम में रहने के बावजूद, गुरु के संगति में रहने के बावजूद, वो रात्रि में क्या करता था, जो और साधु महात्मा सोते थे, तो किसी की लंगोटी किसी के बैग में रख देता था, थैले में, उसकी लंगोटी उसके बिस्तर के नीचे रख देता था। सुबह जब वो लड़ते थे आपस में, तो उसे बड़ा मज़ा आता था, वो खिलखिला के हंसता था एक दूसरे की कुछ चोरी साबित करवाने में, किसने निकाली है तुम्हारी लंगोट, देखो इसके बैग में मिलेगा। इसी तरह से किसी का चप्पल किसी के बक्से में डाल देता था। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा रात में जग के देखना चाहिए, आखिर गुरु ने कहा ये झगड़ा कौन करवा रहा है। जब देखा तो उनका वो पुराना चोर था चेला, तो उसको बुला के पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो। कहा कि गुरुजी चोरी की आदत चली गई, लेकिन हेरा फेरी की आदत नहीं गई, मुझे मज़ा आता है। तो कहने का अर्थ है मोहम्मद साहब जानते थे कि ये साले मुझे मानते तो हैं, लेकिन इनकी अभी साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक रूप से ये स्वस्थ नहीं हुए, इनकी नीयत साफ नहीं हुई है, नीयत कंट्रोल नहीं है। तो कहीं औरतें मस्जिद में अगर पिछवाड़ा उठा करके इबादत कर रही हूँ, औरतों पे तो फ़र्क नहीं जल्दी पड़ता है, इन्हें आपने देखा होगा, आदमी घरों में मोहल्लों में कच्चे बनियान में भी घूमते रहते हैं, औरतों को फ़र्क नहीं पड़ता है 95%, 8%, लेकिन आदमियों को फ़र्क पड़ता है कि फलाने की लड़की जीन्स पहन के जा रही है, हाफ पैंट में घूम रही है, टॉप पहन करके घूम रही है, किसी की औरत क्या पहन के जा रही है। आदमियों को फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क और ये फितरत मोहम्मद साहब ने समझ लिया था। ये साले जरूर चढ़ बैठेंगे, मस्जिद में भी बलात्कार कर बैठेंगे, तो पाक जो जगह है, पाकीजा जो इबादत गाह है, वो बर्बाद ना हो जाए, मेरा मिशन फेल ना हो जाए, इंसानियत के लिए जो मैं बना रहा हूँ।
ये सब कहानी है। दूसरी बात, एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ आपको, ये शायद क्लियर हो गया मेरा बात, इसी में एक और ज्ञान देता हूँ। दूसरी बात यह है, संसार के जितने भी मजहब बने हैं, धर्म बने हैं, उन धर्म को आज तक किसी औरत ने क्यों नहीं बनाया, उनको पुरुषों ने ही क्यों बनाया है, आदमियों ने ही क्यों बनाया है, बताइए। क्योंकि ये पुरुष प्रधान व्यवस्था है संसार की, पुरुष ताकतवर रहा है, शरीर से बाहुबली रहा है, तो वो औरत को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया, बड़े बड़े पदों तक नहीं पहुंचने दिया। तो धर्म की, ये मेरी खोज है, धर्म की कोई भी आज तक कोई महिला संस्थापिका नहीं बनी है, नहीं बनने दिया है। क्या औरतों को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, औरतें मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाई, आखिर क्यों, इस पर विचार की जरूरत है। छोटा सा उत्तर यही है कि पुरुष नहीं चाहता है कि औरत उससे आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, भले ही चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, कमेंट बॉक्स में बताना क्या सही है कि गलत है और किस पर वीडियो बनाना चाहिए मुझे, मैं बताऊंगा फिर आपको। ओम शांति, ओम क्रांति।